हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूरों के लिए राशन न मिलने से बनी समस्या पर कुछ समाज से भी लोगों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। एज टुडे चैनल में समाचार को प्रमुखता से दिखाए जाने पर समाज से भी विजय भारद्वाज ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर परिवारों को राशन मुहैया करवाया है, जिससे गरीब परिवारों के चेहरों पर रौनक आई है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गरीब परिवार बिना राशन के गुजारा कर रहे थे और जिला प्रशासन के द्वारा भी कोई राशन नहीं दी जाने पर लोग भूख से बिलख रहे थे। विजय भारद्वाज ने बताया कि एज टुडे चैनल पर दिखाई गई खबर के बाद झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की मदद की गई है और इन लोगों को अनाज बांटा गया है ताकि कर्फ्यू के समय में इनकी भूख की समस्या दूर हो सके। नमस्कार। पिछले कल एच टुडे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें पता लगा कि कुछ गरीब परिवार झुग्गियों में हथली खाड़ के पास पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं और इस टाइम उनको और उनके बच्चों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो मैं एच टुडे का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिनके माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली और हम अपने माध्यम से इन लोगों को जो 11 परिवार हमें यहाँ बताए गए थे उनको हमने 5-5 किलो आटा, 5 किलो चावल और आधा आधा किलो दालें प्रोवाइड की। कुछ परिवार हैं रह गए, वो कल तक हम उसको कर देंगे। तो मैं आम लोगों से भी ये चाहता हूँ कि वो भी अपने बिहाफ से जितना हो सके इन गरीब लोगों को, जिनको जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो उनको ऐसी सहायता दी जाए। धन्यवाद।